हेलो एवरीवन, बात करेंगे पीटेट 2020 की आंसर की। इससे पहले भी हमने 20 से 25 सवाल करवा दिए हैं, इस वीडियो में हम 20 सवाल करवाने वाले हैं। जनरल बिपिन रावत देश के पहले क्या बने हैं? जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, देश के पहले बने हैं, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख माने जाएंगे, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं के प्रमुख। IFTI का मुख्यालय जो है पुणे में स्थित है, शायद ये FTII हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंस कहाँ स्थित है? CES जो है बैंगलोर में स्थित है, बैंगलोर कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक राज्य में जो बैंगलोर जिला है, बैंगलोर शहर है, वहाँ पर स्थित है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है, विटामिन डी की कमी से। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला पशु, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में जो है बकरी पाया जाता है, बकरी पशु पाया जाता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, NGT एक्ट, ये जो एक्ट है ये 2010 में पारित किया गया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। राजस्थान चित्रशैली का प्रारंभिक केंद्र जो था मेवाड़ रहा है, राजस्थान चित्रशैली का प्रारंभिक केंद्र मेवाड़ रहा है। चार्टर ऑफ स्लेवरी किसने कहा था? 1935 के एक्ट को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चार्टर ऑफ स्लेवरी के नाम से बोला था इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका आंसर PJL यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा खोला गया सिखों के कॉरिडोर का क्या नाम था? इसका नाम था करतारपुर साहिब। ये लाहौर में खोला गया था करतारपुर साहिब कॉरिडोर सिखों के लिए। फरवरी 2020 महीने से किस जिले को विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया? जयपुर को जो है विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया है। जयपुर को आप सभी को ध्यान है, जयपुर को इसी साल फरवरी में घोषित किया गया था। राज्यसभा में SC और ST की कुल सीट है, यहाँ पर देखा जाए तो राज्यसभा में SC और ST की 0 सीटें होती हैं, यानी कि आरक्षण नहीं होता है। अगर लोकसभा में जो है, लोकसभा में फिर भी आरक्षण रहता है, SC और ST की सीटें फिक्स होती है, परंतु राज्यसभा में नहीं होती है। दूसरी बात, अगर ये सवाल इस तरह से होता शायद कि अभी वर्तमान में कितने SC ST से सदस्य हैं राज्यसभा के, शायद 2 हैं इसमें। ठीक है, राजस्थान में वर्षा कम क्यों होती है? अत्यधिक गर्मी से आर्द्रता कम हो जाती है, जब मानसूनी हवाएं आती है तो उस टाइम पे आते आते उनकी आर्द्रता बहुत कम हो जाती है, और अरावली पर्वतमाला का अरब सागर मानसून की दिशा में समानांतर होना ये भी एक कारण माना जाता है। कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, और कथक का संबंध UP से है। इस टाइप का सवाल आपके सामने रहा होगा वहाँ पे। बिस होलमार्क ये ज्वेलरी से संबंधित है, बिस होलमार्क का संबंध ज्वेलरी से है। सिटीजनशिप जो आर्टिकल से 5 से 11 इसमें सवाल किस तरह से आया था ये पता नहीं था, बाकी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था उससे रिगार्डिंग ही था ये। सिटीजनशिप जो है संविधान के 5 से 11 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है। राजा रवि वर्मा ये पेंटर थे, राजा रवि वर्मा जो है पेंटर थे ये। इस तरह के आपके सवाल रहे हैं, इससे पहले हमने जो सवाल कराया उनको भी एक बार फिर देख सकते हैं। बांग्लादेश की करेंसी का नाम था टका, बांग्लादेश की करेंसी थी टका। रेगिस्तान का जलमहल, बाटाडू का कुआ, भाड़मेर इसको कहा जाता है। नोबेल पुरस्कार ये तो जो है, अगर इस सवाल में थोड़ा सा अलग अलग होता है अलग अलग फील्ड में, अर्थशास्त्र में जो है अपने अभिजीत जी बनर्जी को दिया गया था अर्थशास्त्र में, और बात की जाए नोबेल पीस पुरस्कार की, ये इथोपिया के प्रधानमंत्री थे अहमद अली, AHMED अहमद अली को ये दिया गया था। ABIY ये उनके आगे लगता है इस तरह से कुछ, तो ठीक है ये इस तरह का ऑप्शन होगा आपके वहाँ पर। विटामिन डी, डी था ये, बी नहीं था। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स रोग होता है। महिमा में कौन सा प्रत्यय है? महिमा में जो है इमा प्रत्यय है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, चय वर्ग का उच्चारण तालू, तालू से होता है चय वर्ग का उच्चारण। पर्यावरण का संधि विच्छेद परि प्लस आवरण, गे को जो है जैसे ज्ञानी, जय प्लस यहाँ पड़ा, इसका उच्चारण इस तरह से होता है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ओणम जो है केरल का त्यौहार है, ओणम केरल राज्य का त्यौहार है, केरल में मनाया जाता है ओणम। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड केनिंग, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 अमिताभ बच्चन जी को मिला था ये, दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन जी को मिला था। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे, वैसे 9 नहीं है इसमें, 9 पहले थे, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला के 1 कर दिया गया है। राजस्थान से राज्यसभा के लिए 10 सीटें हैं। मुगल संतनत का अंतिम शासक बहादुर शाह, भारत के सात पड़ोसी देश हैं। नीली क्रांति मछली से संबंधित है, ये इस तरह के सवाल जो हैं आपके 2020 PTET में रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।